और चलिए बड़ी खबर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आपको बताएंगे कि ये खबर है दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास फायरिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने एक बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के अक्षरधाम से, जहां पर अक्षरधाम मंदिर के पास फायरिंग हुई है और एक बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अक्षरधाम मंदिर के पास फायरिंग की खबर है, फिलहाल पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास फायरिंग हुई है, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर अक्षरधाम मंदिर के पास फायरिंग की खबर आ रही है, जहां पर खबर यह है कि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, क्या वजह रही है इस फायरिंग की, यह अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि अक्षरधाम मंदिर के पास ये फायरिंग की खबर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अमित चौधरी संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? शुरुआती जानकारी की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि अक्षरधाम मंदिर के पास कुछ लोगों ने फायरिंग की। उस सूचना पर दिल्ली पुलिस के जवान काफी संख्या में मौके पर पहुंच गए हैं और एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, फायरिंग करने वालों को। फिलहाल इतनी जानकारी है, कुछ लोग जो आसपास के वहां मौजूद है उनका कहना है कि बदमाश लूटपाट की नीयत से वहां फायरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी तक पूरी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई आखिर किस वजह से फायरिंग की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी इस फायरिंग में शामिल थे उनकी तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बना दी। आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग कर दिया गया है क्योंकि काफी संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, अक्षरधाम मंदिर है यहाँ पर और हाई अलर्ट पर दिल्ली है। ऐसे में फायरिंग होना एक बड़ी घटना के तौर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी इसको ले रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को कहना है कि जो भी इसके पीछे आरोपी होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि आखिर फायरिंग के पीछे की वजह क्या थी। अमित, कुछ ये जानकारी लग पाई है कितने बदमाश थे, किसने यहाँ पर फायरिंग की है, और क्योंकि एक बदमाश को पकड़ा है तो कितने लोगों के बीच फायरिंग की खबर है, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए अभी तक जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो स्पष्ट तौर पर इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आसपास के लोग घटनास्थल पर मौजूद थे उनसे जो बातचीत हुई है उनके मुताबिक फायरिंग हुई थी। कितने लोग थे वो साफ तौर पर नहीं देखे गए थे। कुछ सीसीटीवी कैमरे आसपास वहां लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और जो आरोपी पकड़ा गया है मौके से उस आरोपी से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग करने के पीछे का मकसद क्या था, कितने लोग उनके साथ में थे और किसके ऊपर ये फायरिंग की जा रही थी। तो पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की जांच है वो जांच चल रही है और पुलिस उन इलाकों में घेराबंदी किए हुए जहां फायरिंग करने वाले आरोपी जिस तरफ भाग कर गए हैं। दीपाली, आगे भी अपडेट लेंगे, शुक्रिया अमित ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल खबर ये है कि शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि लूटपाट कर भाग रहे थे ये बदमाश और फायरिंग तभी हुई है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है, आगे की पूछताछ की जा रही है और आगे के आसपास के एरिया जो है वहाँ पर घेराबंदी भी कर दी गई है।